नमस्कार दर्शक बंधु, आमर रसकल्लोळर रसधारा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही कार्यक्रम आम सहित अच्छा ओडिशार स्वनामधन्या कंठशिल्पी सुश्री शैलभमा महापात्र एवं अच्छा श्रीजुक्त रवींद्र महापात्र। पूर्व अध्याय आम रसकल्लोळ काव्यर पंचम छांद को सुंदर भाव व्याख्या करथिले। ए अध्याय आम षष्ठ छांदर सस्वर व्याख्या श्रवण करवा। कर्ण मन देई श्रद्धावंत होई सुण जने कृष्ण चरित जन बरन केशव काम पाल संगे घेनी नाना रंगे करंती बाल लीला भाव पंजनयन अंजन बरन केशव केते बेले बले गोप सुत मेले नवनीत घेनी पोलांती बेड़े से कोली की गोला करी रागे केते बेड़े कांदी कंठ कंठे छंदी काखरे बसांति परागे केते बेड़े से कोली की गोला करी रागे। रसकल्लोळ काव्यर ए षष्ठ छांदरे आमे विशेष भावरे भगवान कृष्णचंद्रंकर कैशोर लीलार माधुर्य रस आस्वादन करुछे। बाल्य लीला समाप्त होइछि, बाल्य परे आसिछि पौगंड, तापरे कैशोर। ए कैशोर लीलारे प्रभु एपरि लीला करिछन्ति जहा विशेष भावरे भक्तजन मानंकु गोपीजन मानंकु अत्यंत आह्लादित करिछि। सेतिपाई से रसक वर्णना कला बेले कवि कहुचंती कर्ण मन देई श्रद्धावंत होई सुण जने कृष्ण चरित। कृष्ण चरित श्रवण कला बेले खाली कर्ण देले हेबनी, कर्ण देथिबे मन देई नथिबे ताले सुनी पारिबेनी, बुझी पारिबेनी, भाव ग्रहण करि पारिबे नाही। जदि मन देथिबे कर्ण देई नथिबे ताले मध्ये सुनी पारिबेनी, मन कर्ण देबे पुनि श्रद्धा युक्त हेबे। कृष्णंक प्रति श्रद्धा भक्ति समन्वित हेले हैं यही रसटी सुंदर भावरे आपण आस्वादन करिवे। कलाकर करे अंधार पराय नाश जाउ सर्व दुरित, दुरित दुष्कृत पाप राशि सब विनाश हेब। जेमिति अंधार चली जाए चंद्र पूर्ण चंद्र उदय हेले। अंजन वर्णर कृष्ण वर्णर नील नवघन कांति धारण करथिबा श्रीकृष्ण चंद्र कंज नयन क आद्य अनुप्रासरे से कृष्ण ही आसुचंती कंज नयन आसुचंती कमल नयन कृष्णचंद्र कामपाल माने बलराम सहित नाना रंगरे नाना ढंगरे नाना भंगीरे नाना विलासरे से बालक लीला बा बाल्य लीला भाव करुचंती। केतोटी केतोटी दृश्य पटर झलक कवि उद्धार करिसंती। केतेबेळे बळे गोपसुत मेळे नवनीत घेनी पळांती, कहा घरे पशिले सांग होइकरि दळे गोपकुमार पशिले नंदकुमार सेतिरे अछंती। एवं लहुणी ठेकी धरिकी दौड़ी पळौचंती से चाहितव धर धर कहिला बेळकु गलेणी। केतेबेळे गृहकर्मरु विग्रह करि जननीकी चळांती, केतेबेळे गोळ करंती कोळी अनुरागरे खाइबे बोली से मागंती कोळीवाली आसिले माँ कोळी दे रागंती कांदंती धूलिरे गड़ी जाती बनमाली। केतेबेळे पुणि कांदी कांदी माँ कंठरे हात छंदी बा कंठे कंठ छंदी काखरे बसंती सरागे। पुणि सेतिकी नुहे खाली माँकर तो काखरे बसंती नुहे, नंद राजांकर कांधरे बसंती। केतेबेळे नंद कांधे बसी चांद मागंती रजनी समय, रातिरे चंद्र उदिया राति
नंद राजा को कहते बापा ये चंद्र को मु नेबी मत टे दि ये चंद्र को डाक से आसु मो हाथ में धरवि पुणी करी मन तोष जह्न मामू आस आस बोलती नंदरा केते बेले नंद कांधे बसी चांद मागंती रजनी समय कौतुके होई उत्साह कामी काम दुहा गोधन सोरेहा होई सिखंती गाई दुहा केते बेले से कौतुके होई उत्साह कमल नयन नयन मंडन क्रमे पारिले बसारती करुणर सखु बहई कृष्ण स्नेह घेनी जशोदाकु मानी होई सखी आगे कहई के गोपिका करुणर सखु बहई नंदक कांधरे बसी चांद मागंती खाली सेतिक नुहे सही वात्सल्य रसरे से आनंदित होई गोदहन करिया पई गाई दुहिमा पई मध्य उत्साहित हो जात एठी कवि गोटे सुंदर पद लिखिछन कामी काम दोहा अर्थात जो माने जहा कामना करंती कृष्णंक ठारु ता पाइबा पई से प्रार्थना करंती तांकर कामना पूर्ण करंती बांछा कल्पतरु कृष्णचंद्र तबे जिए कामी काम दोहा जिए दोहन कर दिंती सकल कामना को दुहिंक दे दिंती भक्त को सी आज गोदहन करुछंती हा विचित्र कथा नुहे कि तेणु कामी काम दोहा गोधन सोरेहा होई सिखंती गाई दुहा गोदहन क्रिया सिखुचंती गाई दुहिबे जिए होउछंती निजे भक्त काम धेनु सीए धेनु दहन करुछंती गाय गोदहन करुछंती बड़ा विचित्र लागिला कवि भक्त कवि दीनकृष्ण को पुणी कहते जो दिन कृष्ण छवि आखि आगे पड़ब से जानवे नयन मंडन हो गला आखिर मंडन आम कर्णर मंडन अच्छी कानफुल पिंधुचु नासार मंडन नाकफुल पिंधुचु नथ पिंधुचु किंतु नयनर मंडन किए ना कृष्ण से विचित्र स्वरूप से सुंदर नीलनवघन कांति क्रमे पारे बच्छा रखी टिके बड़ हो जाती कैशोर भाव प्राप्त होती बाछुरी रखिले गाई रखिले गाई लात मार तेणु कैशोर भाव में सबू गोप कुमार सांगसाथी धरी जिते बड़े गाई रखा चाहिए से नंद कहले नाई नाई प्रथम तुम्हें बाछुरी जगा शिख बाछुरी मानक नियंत्रण करवा शिख तापर गाई जगी जीव गाई मानक नियंत्रण कर जेते बेले बाछुरी नहीं वृंदावन को जाउछन्ति कृष्ण बलराम एवं अन्यान्य गोपकुमार माने सेते बेले कलाकर मुखी चंद्रमुखी गोपी माने देखिले जे आज नयन मंडन आम आखिर एकमात्र पवित्र दृश्य आज वन प्रदेश को जाउछि वृंदावन को जाउछि कौन पाई ना बाछुरी जगिबा पाई अर्थात गाई जगिबा माने शिखिया को जाउछन्ति मने हुंती महासुखी खुशी हो सत किंतु कौन सी गोपिका कारुण्य रस बहन कर मनरे दुखी हो जशोदा हे जशोदा हे नंद तुम्हें कौन भाव तुम पिला गाई जगिले पेट पोषव ना कौन सुख नही नंद घरे जाए वृंदावन कलाए मंत अबिछ
ସାର କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ସେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ସେ କରେ ବନକୁ ସଞ୍ଚାର କେଉଁ ବିଧାତା କଲାଏ ମନ୍ତ ବିଚାର କମଳ ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କେତେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଦେଖ ଜାନୁ ଜଙ୍ଘ ଶୋଭାକୁ ବରିକଲ ଭର କରକୁ ଧିକାର ଶିଶୁ ମର କତ ରମ୍ଭାକୁ କେଉଁ ଉପମା କର ଜାନୁ ଜଙ୍ଘ ଶୋଭାକୁ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଗୋପୀ କହୁଛି ଯେ ଏ ଗୋପରେ ଏ ନନ୍ଦ ଘରେ କେଉଁ ସୁଖ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଶିଶୁମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ପିଲାମାନେ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଯିବେ ଗାଈ ରଖି ପେଟ ପୋଷିବେ ବୋଧହୁଏ ନନ୍ଦରାଜା ଏବଂ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଇଏ କରୁଣା ହୃଦୟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସେମାନେ ଧିକ ଏହାଙ୍କର ଧନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଧିକ ଏତେ ଧନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପୁଣି ଲୋଭ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଅଁଳିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବାଛୁରୀ ଜଗିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନା ନା ଇଏ ତ ଦୈବର ବିଧାନ ଗୋପାଳ ପୁଅ ହେଲେ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେ ଗୋପୀ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେଉଁ ବିଧାତା ଏକଥା କଲା କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ପୁଣି ବନକୁ ଯିବେ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଇଏ ବିଧାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧିକ୍ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଧିକ୍ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଧିକ୍ ବିଧାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କ'ଣ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ସେବାକୁ ଉତ୍ସାହ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ନା ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବୁ ଇଏ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ନା କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ନା କମଳ ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଣ ଅତି ଲାଲ ପାଦ ପଦ୍ମ ଏବଂ ସେଠି କେତେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ରାଜଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ପରି ତାରା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନଖ ପଙ୍କ୍ତି ଆଉ ଜାନୁ ଜଙ୍ଘର ଶୋଭା ତ କ'ଣ କହିବା ଯେମିତି ହାତୀ ଛୁଆର କରିକଲଭର କରକୁ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ମରକତ ମଣିକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ରମ୍ଭା କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ତାଙ୍କ କେ ମନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଅତି ମନୋରମ ଦିଶେ ବିପୁଳ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ କଣ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା କବି କବି ହୋଇ କହିବି ବୋଇଲେ ମୁଖରୁ ନ ଆସିବ ଭାଷା କଥନୀୟତ ନହୋଇ କଣ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣ ନାସା କଳଙ୍କ ରହିତ କଳାକର ଜିତ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁଖ ନିକେତନ କେତେ କାଳ ବିହି କୌତୁକ ବହି ଗଢ଼ିଲା ଏ ରୂପ ରତନ କରିଥାନ୍ତା କି ଦୈବ ଏ ପୁଅ ଆମ୍ଭର କରନ୍ତା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସାଇ ପଲଙ୍କ ଉପର କରିଥାନ୍ତା କି ଦୈବ ଏ ପୁଅ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷଣମାନ ଅଛି ଗୋପିକା ତାହାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ଦେଖ ସିଂହକଟି ମଧ୍ୟମ ଅଣ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ସୁନ୍ଦର
हिणकटी साग को विपुल वक्षस्थल विस्तारित वक्ष एवं करद्वय हाथ दुईटी देखा जाउची केमिति कुबलय माले कोकनद झुंपा कुबलय हला नीलकई कोकनद होची रक्तपद्म रक्तपद्म परी हाथ पापुली एवं ये लंबा हाथ दुईटी ये जमिति गोटे कुबलय नाड़युक्त नीलकई कुबलय माळरे कोकनद झुंपा परी ये बाहुजुगल अत्यंत सुंदर कंठ नासा कर्ण यह तो वर्णनीय नुहे कहीहबनी वर्णनार बाहर कवि कवि हो कह भी बोले कवि हूँ शुक्राचार्य सुर गुरु नुहे असुर गुरु शुक्राचार्य जदि कवि कहे मुहबी ताले मुहर भाषा आसबना श्रीकृष्ण श्रीमुख को देख निष्कलंक चंद्र आदौ टिकिए दाग नपरि चंद्र सुखर निधान सुख निकेतन विधाता केते काल कौतुक बहिकरी ये रूपरत्न को गढ़ी ताहा कलना करहब ना आरे आरे ये पुओ जदि आमर होता विधाता मत यही पुओ दे था ताहले मु कौन करी इष्ट देवता परी पूजा करी थांती पलंक उपरे बसई थांती श्रेष्ठ करी पूजा करी थांती केबे हेले मु वनस्थल को पठाई न था के मंत सुंदर कला कले वर के मंत सुरंग धर हस कहिबा चतुरता के मंत प्रकारे नाचई सधीरे काम धनु जीता भूलता के मंत मंद हस कहिबा चतुरता कमल संभव भव आदि देव स्तुति जाहाकु तुच्छ मात्र कमली धवली नीली कुंज गली गाई डाकी बाकु से पात्र काल बल ये कहारी आयतन होई के मंत नहिले श्रीवंत होइले कंधे पशु रज दहई काहारी आयतन होई गोपी वर्णना करी चली कृष्णंकर रूप से रंगाधरंकर सुरंग अधर केड़े सुंदर देखा जाउची कला कलेवर केते विचित्र आकर्षणीय देखा जाउची केते आकर्षण ए रूप रे ये कौन सामान्य व्यक्तित्व ना ना यही रूप भीतर रही रूपराशि भगवान विष्णु नयन कटाक्ष को देख धन्य ललाट पाटी को देख ललाट मध्य ललाट फलक मध्य अत्यंत प्रसन्न देखा जाउची आउ कटाक्ष कटाक्ष तो जोगी ऋषिंकर मन को मध्य मुख्य करदेव केमंत मंद हसी कहिबा चतुरता मंदे मंदे हसी रंगाधर जेतेबेले कहि दियंती चतुर विनोद करंती सेतेबेले ये रूप ए राशि ए ठाणी माणी आउ कोठी नै ब्रह्मांड रे कोठी देखि न थाई आमे केमंत प्रकारे नाचई सधीरे धीरे धीरे ठुणु ठुणु होई झुणु झुणु नुपुरा बजाई केमिति कानू नाचे कामधनु धनु को बा कंदर्पर धनु को विजय करथिबा तांकर भूलतार कमनीय ठाणी नाचिला बेले कि अपूर्व देखा जाए सखी देखो ना ये कौन साधारण मनीष मानव शिशु ना 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 कमल संभव भव आदि देव स्तव जहाँ तुच्छा मात्र जान कमल संभव पद्मभव ब्रह्मा भव हूँ शिव आनान्य देवता मैंने स्तव कले स्तुति कले तुच्छा मन करती से प्रभु जहाँ को सकल देवता परापत्र जोड़ी स्तुति करने बसी था से प्रभु कौन कर गाई रखी जाछुरी रखिले तापर गाई रखा भाव आसीगला धीरे धीरे कृष्ण बढ़ुंच कमली धवली नीली कुंज गली गाई डाकू से पात्र हे कमली से गाई की डाकुच शीघ्र आ सन्ध्याराणी घर को जी हे धवली हे नीली हे कुंज गली
ए गाई मानू डाकवाई कौन कृष्ण हूँ पात्र काल बल ए कहार आयत्त नुह ये कालर विधान ना ये श्रीमंत हो कांधरे धरी गाईर पघा गाई को डाकुं पघार बांधि घर को ने अर्थात ये हूँ से कालर स्वतंत्र विधान बोली सखी कह के बोलो ई बड़ हेले हे गौड़ घरे पड़िले जेते बेलु ओठाउ दौड़ी सीका भर बाड़े आस्था हेलाणी तेते बेलु काहू खाई बे न रखिबे जे बे गोधना के बोले जे जाहा जीविका से ताहा नकले के ही जीव दिन काहु खाइबे न रखिबे जे बे गोधन कमल नयन बन कु गमन करते पड़े एही कथा के होए हरस के होए बिरस के लभे मनी महाव्यथा काम पालंकु के सब घेनी संगतरे कौतु के बस्था रखु रखु बस्था पुरकु माइले वृक्ष रे काम पालंकु केशव घेनी संगत रे जेते बेले गोपी माने चिंता करुछंती कृष्णचंद्र गोधन रखी जाउछंती वन प्रदेश को सेते बेले सिद्धांत रे उपनीत होइछंती बहु चर्चा परे जणे कहुची गौड़ घरे जेहेतु पड़ी जन्म नहीं तेणु सिका भार बाड़ी दौड़ी ये तो आस्था ये तो जीविका अर्थात जी जार वृत्ति जी जार जीविका सी ताकू जदि न धर ताल दिन कटिव केमिपर सिद्धांत से उपनीत होतीपरि कमल नयन पद्मनेत्र वन को गमन करते यहीपरि कथा सबू पड़े गोपी मान भितर यहपर आलोचना हुए किए हर्ष हुए खुशी हुए किए विरस हुए दुखी हुए किए मनरे महाव्यथा ताकू आघात लगे आउ कामपालंकु सांगरे नहीं केशव कृष्णचंद्र कौतुक बछा रखिवा थारे मध्य बछासुर को विनाश कर दीछन आज तो समय हो जाइछि रसकलल काव्यर षष्ठ छांदर बार पदरे आज कार्यक्रम को शेष करुचु एई छांदर अवशिष्टांश आगामी अध्याय रे आज पै विदा दियंतु नमस्कार प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।